कर्नाटक चुनाव बीजेपी के हाथों से पूरी तरह निकल चुका है, इसीलिए बीजेपी अब वोट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। बता दें कि कर्नाटक में पैसों से भरी गाड़ी को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है, बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है, पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चला। जब बीजेपी नेता की गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया तो खूब बहस हुई। पहले तो गाड़ी की चेकिंग नहीं करने दे रहे थे, लेकिन जब पुलिस वालों ने गाड़ी की चेकिंग की, वो भी चुनावी आचार संहिता के बीच, तो पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गाड़ी की सीट के नीचे से पैसों की गड्डियां निकलना शुरू हो गईं। तो क्या हुआ है कर्नाटक में, जब पुलिस ने बीजेपी नेता की गाड़ी को चेक किया है, आप पहले वीडियो देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि कथित तौर पर किस बीजेपी विधायक के लिए पैसे बांटने की तैयारी की गई थी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, एक तरफ कर्नाटक में वोटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कैसे आप देख सकते हैं कि एक तरफ पूरी चिल्लम चिल्ली मची हुई है, कार्यकर्ता भी वहां पर आ गए हैं, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेता है कि अपनी गाड़ी को चेक नहीं करने देते। जब अपनी गाड़ी को चेक नहीं करने देते हैं तो लगता है, पता चल जाता है, साफ पता चला, उनके व्यवहार से ही पता चल रहा है कि दाल में कुछ काला है। पुलिस वाले कहते हैं कि गाड़ी तो चेक होगी ही, और जब गाड़ी चेक होती है, कितनी भयंकर चिल्लम चिल्ली आप देख सकते हैं वीडियो में, इसके बीच जब गाड़ी चेक होती है तो पुलिस वाले भी बहुत चक्के रह जाते हैं, क्योंकि जब वो सीट के नीचे हाथ डालते हैं तो गड्डियां निकलना शुरू होती हैं, एक एक करके गड्डियां निकलना शुरू होती हैं। उसके बाद पुलिस वाले वहीं खड़े होकर उन गड्डियों को गिनना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि पैसे गिने भी जा रहे हैं, पुलिस वाले वहीं पर मौजूद हैं, पुलिस वाले गिन रहे हैं, और उन्हीं के साथ जो अधिकारी मौजूद है वो लिख रहा है कि कितने पैसे मिले हैं बीजेपी नेता की गाड़ी से। तो अब साम दाम दंड भेद हर वो पैतरा भारतीय जनता पार्टी आजमा रही है जिससे कर्नाटक के चुनाव को साधा जा सके। तो यहाँ पर बात हो रही है हरीश पुंजा की। हरीश पुंजा बीजेपी के विधायक हैं, दक्षिण कन्नड़ में बेल था गाड़ी से। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर, कितने शालीन दिखाई दे रहे हैं, कितने सभ्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं नेता को लेकर खबर निकल कर सामने आई है कि ये चुनाव जीतने के लिए पैसे बंटवा रहे थे, अपने करीबी से पैसे बंटवा रहे थे, तभी उनको धर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। एक तरफ पैसों की गिनाई की गई, वहीं दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। खबर क्या निकल कर सामने आई है, खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि वोटिंग के बीच दक्षिण कन्नड़ में पैसे बांटते बीजेपी विधायक का करीबी गिरफ्तार हो गया है। तो हरीश पुंजा का करीबी निकला था गाड़ियों में पैसा भरकर वोटिंग के पहले बांटने के लिए, लेकिन क्या करें कि गिरफ्तारी हो गई और फजीहत भी हो गई, क्योंकि वीडियो भी निकल कर सामने आ गया और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। खबर में देखिए लिखा है कि वोटिंग के बीच बीजेपी नेता के करीबी द्वारा पैसे बांटने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी विधायक के करीबी सहयोगी को पैसे बांटते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक हरीश पुंजा के इशारे पर रुपए बांटते हुए केला गुथू कॉलोनी में नगर पंचायत उपाध्यक्ष जयानंद गौड़ा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो जयानंद गौड़ा, ये भी बीजेपी नेता है, यही पैसा बांटने के लिए निकले थे। खबर निकलकर सामने आई है, खबर में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी विधायक के लिए पैसा बांटने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने चेकिंग की, क्योंकि आचार संहिता लागू है, कहाँ जा रहे हैं। जब चेकिंग की गई तब बहसबाजी करने लगे, गाड़ी को चेक नहीं करने दे रहे थे, लेकिन जब चेकिंग हुई तो पैसे निकलते ही चले गए, गड्डियां निकली हैं, लिफाफों में पैसे निकले हैं।
आप देख सकते हैं कि वहीं पर पहले पैसे निकले हैं, फिर वहीं पर पुलिस ने गिनती भी शुरू कर दी है। अब इससे ज्यादा क्या फजीहत होगी कि वहीं पर पैसे निकाले और वहीं गिनने लगे और वहीं लिखने लगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये वीडियो निकलकर सामने आया तो कांग्रेस ने भी हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि द इल गॉटन मनी ऑफ 40% बीजेपी सरकार विल नॉट हाईजैक डेमोक्रेसी इन कर्नाटका। यानी कि ये 40% जो कमीशन की सरकार है, जो पैसा बांट रही है, उससे ये जो लोकतंत्र है कर्नाटक का, उसे हाईजैक नहीं कर पाएंगे। अब कांग्रेस क्यों इतने कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है? क्योंकि जब बीजेपी लोग वाले पैसे बांटते हुए पकड़े जाएं, तब तो कांग्रेस को डर होना चाहिए कि अब तो ये लोग नोट के बदले वोट ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ नोट और गिफ्ट बांटे गए, वहीं कर्नाटक की जनता ने इन्हें वापस भी कर दिया वोटिंग के पहले। कैसे वापस किया है आप देखिए, तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। बकायदा महिलाओं ने तो वो साड़ी तक उनके घरों पर जाकर फेंक दी जो उन्हें वोट देने के लिए बांटी गई थी। तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक तरफ कर्नाटक में वोटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खस्ता है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं आएंगे, पैसे फेंक रहे हैं, गिफ्ट फेंक रहे हैं, साड़ियां फेंक रहे हैं कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकेंगे। वहां पर नारे भी लगाए गए कि बीजेपी की सरकार को धिक्कार है, क्योंकि अब जो जनता है कर्नाटक की वो ये समझती है अच्छे से कि अभी तो ये पैसे साड़ी अगर रख लिए तो अगले 5 साल क्या होने वाला है। 5 साल बीजेपी की सरकार रह चुकी है, भारी एंटी इनकम्बेंसी है, पब्लिक नाराज है। अब पब्लिक को साथ नहीं पा रहे तो पैसे बांट रहे हैं, लेकिन पैसे गिफ्ट साड़ियां भी कोई कमाल नहीं दिखा पा रहे। अब ऐसे में क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि तो साम दाम दंड भेद हर पैतरा आजमाया गया है। अब 13 मई को क्या नतीजे आएंगे उससे भारतीय जनता पार्टी का भविष्य निर्धारित होने वाला है। एक तरफ विधानसभा चुनाव का, दूसरी तरफ 2024 लोकसभा चुनाव का। फिलहाल इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा? इस पर भी आए सवाल के जवाब में और इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।